भाजपा के ऑफिस के सामने जो है 51 डेज हो गए हैं BSF CSF के एस्पिरेंट्स को, और अभी भी जो है आप देख सकते हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और तादाद जो है फिर से बढ़ गई है उनकी। कहीं ना कहीं जो है उम्मीद जो है वो नज़र आ रही है, और सामने भाजपा का ऑफिस है, और आधा घंटा जो था वो अभी तक शायद हुआ नहीं है रविंदर राणा जी का, क्योंकि बच्चे जो हैं उसी आधे घंटे का वेट कर रहे हैं। क्या है आज का समाचार आप लोगों का, क्यों कोई मिलने आया है कि नहीं, या फिर कोई प्रोग्रेस है कि नहीं? सर कोई मिलने नहीं आया हमें, और आधा घंटा पता नहीं सर का कब होगा, क्योंकि 4 दिन से यही बोल रहे हैं कि आधा घंटा आधा घंटा। हमें बुलाया स्पेशल फ़ोन करके बुलाया साहब ने, राणा साहब ने, कि आओ बेटा हम आपसे बात करनी है। बोला हमने बोला कि सर आओ नीचे आओ हम सभी बात करेंगे, कहते आधा घंटे में आते हैं, और गाड़ी ली चले गए। हमें बुलाया तक नहीं, हमारे तो देखा ही नहीं। हम ये पूछ रहे थे कि सर आपका आधा घंटा कब होगा, इतना बता दो, अपने जो वादे किए वो पूरे करो, जो हमारी वैकेंसी हमें दो, और हम जाएँ घर अपने अपने माँ बाप के पास बैठे। कुंजा दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, हमें थोड़ी शर्म कर लो सर। हाथ जोड़ के विनती आपसे, बस इतने कहना चाहता हूँ कि हमारी वैकेंसी दो, हमारी जॉब दो, हमारी वर्दी दो, और हम जाएँ बॉर्डर पे अपने देश की रक्षा करें, बस धन्यवाद। कहीं ना कहीं जो है अभी भी जो है रोष जो है दिख रहा है, और बच्चे जो हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि कब जो है वो ये जो है वादा पूरा होगा। आप देख सकते हैं गंदगी यहीं पे है, बच्चे भी यहीं पे बैठे हैं, मगर जो है कहीं ना कहीं जो पॉश अपनी बिल्डिंगों में जो लोग बैठे हैं उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर नहीं बैठना है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो है पॉलिटिक्स करके और कभी जो है किसी एजिटेशन में निकल कर डंडे खाकर जो है अब वो इधर आए हैं, तो क्या ज़रूरत है उनको, वो भी उनका भी एक स्ट्रगल है। मगर उनको ये नहीं दिखता कि जिन लोगों के लिए उन्होंने वो सब एजिटेशन लड़ी थी, जिन लोगों के लिए वो ये सब कर रहे थे, और जिन लोगों की वो मांगे मांगते थे, आज वही लोग जो हैं यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी मांगे हैं जिन पर जो है आपको कोई ना कोई विचार करना चाहिए। क्या बोलना चाहोगे? सर बोलना कुछ नहीं, मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं देख रहा हूँ अपनी सरकार को, ठीक है। वोट के टाइम ये आते हैं बोलते हैं कि बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तक तो इन्होंने जब BJP सरकार आ रही थी इन्होंने 70 तोड़ा बोला कि 50,000 नौकरियाँ देंगे, उसके बाद हमारी रिक्रूटमेंट हुई, ठीक है, 4 साल हो गए लगभग इस रिक्रूटमेंट को चलते हुए, ठीक है। फिर उसमें फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, रिटर्न हुआ, रिटर्न के बाद मेरिट काफ़ी हाई गया कि बेल्ट फोर्स का इतना मेरिट नहीं जाता, और बेल्ट काफ़ी हाई मेरिट गया। और उसके दौरान हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोला कि आपको आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ की गई है, कर दी है कि समझ लो कर दी है, लेकिन जैसे फाइनल रिजल्ट आउट होता है तो मेरिट इतना हाई जाता है। 83 नंबर क्या होते हैं सर, जो लेता बन जो बच्चा पढ़ के लेता नंबर, 6-6 महीने बच्चा कोचिंग करने के लिए जम्मू आता है, दूर पहाड़ों से उठ के बच्चे मेहनत करते हैं, उनका क्या खर्चा हो क्या बताइए। तो सरकार जान नहीं रही है, अंदर बैठ के बड़े बड़े आश्वासन दे देते हैं, बाहर जहाँ पे गंदगी में बच्चा, यहाँ देख लीजिए बच्चे जो मक्खियाँ यहाँ पे हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह सारे ऊपर, रात को यहाँ पे सोना था हमने। तो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि वो हमारी तरफ ध्यान दे, और ये जो झूठे आश्वासन हैं इनसे ये हमें ना दें, सीधी बात करें हमारे साथ, धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हैं वो जो है खाने पीने का जो है सामान है, पानी की बॉटल्स हैं, और ये जो हैं बिस्तर हैं उनके सोने के लिए, और यहाँ पे इतने लोग जो हैं वो इतनी सी जगह पर सोते हैं, और ये जो है मिट्टी पड़ी है यहाँ पर, और इतनी सी जगह पर ये लोग सोते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं हालत क्या है। मगर ये हमारा भविष्य है, ये जो है हमें बॉर्डरों पर हमारी सेवा करेगा, ये जो है बॉर्डरों पे हमारे लिए रुकेगा। ये देख सकते हैं आप, जगह देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जगह है, और किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है ये लोग रात को भी रहते हैं, दिन को भी रहते हैं, खाना भी यहीं खाते हैं, रेस्ट भी यहीं करते हैं, और ये आप देख सकते हैं हालत यहाँ की। और सामने जो है एक आलीशान बंगला बन रहा है, सामने एक आलीशान बंगला बन रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, और सामने जो है बिल्कुल उसके सामने जो है भाजपा का ऑफिस, जिसके
एसी के जो विंड्स हैं वो वहाँ पे बाहर लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो है भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं जो है इस वक्त है पावर के नशे में जो है मस्त हुई हुई है, क्योंकि उन्हें होश नहीं है ये बच्चे जो हैं जो है इतनी जो है गंदगी में बैठे हैं। मजबूरी है, किसी को शौक नहीं होता, मगर आलीशान बंगलों का काम लगा हुआ है। लोग जो हैं दिल्ली हैं, कोई भाजपा के इस पॉश ऑफिस में है, कोई कहीं है, क्या कर सकते हैं। हम जो है अपना काम कर रहे हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ बैठ के रोज़ वार्तालाप करते हैं। अजय क्या है आज का बात, क्या रखना चाहोगे, क्या अलग वो बोलना चाहोगे आज इनको, जिनसे ये कन्विंस हो जाएं कि आपकी नौकरियां जो है आपको दे दें। सर हमें एक छोटी एक उम्मीद आई है कि परसों एलजी साहब ने शायद एक उन्हें अपनी ये बयान किया फेसबुक और यूएनटी न्यूज़ पर। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा क्लोज आके जो है इस न्यूज़ को भी दिखाएं। तो हालांस खुश भी है थोड़ा कि चलो साढ़े बारे को ना गल की है, और अस खबर है बेसिकली है? बेसिकली सर ये खबर यह है कि एल जी साहब ने साड़ी वैकेंसी इनक्रीज़ करने दी, साड़ी वैकेंसी इनक्रीज़ करने लिए उन्हें आख्या कि भला इनकी वैकेंसी इनक्रीज़ की जाए, तो उन्हें अगर भी अपील की है, हूँ अस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की उन्हें अपील की है कि इनकी जी वैकेंसी है जी 1556 उन्हें 1000 को प्लस लिखा मोर दैन 1000 कि जी मैडिकली फिट हो जाए उन्हें लैता जा। तो अस उन्दे इ अपील करने सर गरीब बच्चे दिखो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करने तुंदा कि तुसें साढ़े लिए इन्नी हारी गल की है, तो ये सारा मसला हल हो गया। कहीं बच्चे मुझे भी पूछ रहे थे ये जो खबर है सही है, यूएनटी से रिक्वेस्ट है अगर ये खबर उन्होंने चलाई है और मनोज सिन्हा जी ने ये बात की है सेंटर से, तो पहले तो इस खबर में पुष्टि करें। कहीं ना कहीं अगर उन्होंने चलाई है तो खबर सही होगी, मगर फिर भी बच्चों का डाउट है। मैंने भी कॉल करने की कोशिश की थी उन्हें, जवाब कोई नहीं आया, और उसके बाद जो है इस खबर पे पुष्टि कर दें, और उसके बाद जो है अगर मनोज सिन्हा साहब ने ये बोला है तो कहीं ना कहीं ये हो जाना चाहिए। और अभी आपको तस्वीरें बता दें, अदिति शर्मा जी जो हैं यहाँ पर आ चुकी हैं बच्चों के पास। मैम आप ही की सरकार है सेंटर में जी, कहीं ना कहीं स्टेट के साथ तो आपकी नहीं बनती, वो आप हमेशा बताते हैं, सेंटर के साथ तो आपकी बनती है जी। देखिए मैं पहले आपको एक बात बता दूं, अभी अभी मेरी बात हुई इस बारे में, और हमारे जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इन लोगों ने लिखकर दे दिया है, इन्होंने मतलब जो BSF है यहाँ से लिखकर दे दिया गया है MHA में कि हमें 1550 पोस्ट चाहिए, वैकेंसीज चाहिए, तो वो वैकेंसीज मिलने की मुझे लगता है बहुत जल्दी होने वाला है। मैं बात जो मैं करके आई हूँ अब ये MHA से होगा, MHA में सेंटर में ही आपका जो है ज़्यादा प्रभाव है, तो अगर आप कह के उनका इनका मसला हल करें। मैं वही बात इनसे कहने आई हूँ, मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, जो भी कुछ हुआ तो मैं उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं देर से आई, लेकिन आज मैं इनसे यही एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं सेंटर में MHA में इनकी बात रखूँगी, और पूरी उम्मीद है जल्दी से जल्दी इनका सॉल्व हो, क्योंकि इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जहाँ बात जस्टिस की बात आती है, वो भी हमारे यूथ की, तो मुझे लगता है वो प्राइम मोटिव हमारे लिए होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम देयर, और इसमें कोई शक नहीं है। हाँ मैं ये बात कहूँगी कि इसमें हमारे स्टेट का या हमारे यूटी का और LG सर का वो नहीं है, ये MHA से ही होगा जो मुझे पता चला है, और ये मैं इनकी बात हमारे वहाँ पर सेंटर में रखूँगी, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि ज़रूर इसमें कोई निर्णय होगा। रविंदर राणा जी जो है आधा घंटा बोल के गए थे, और दो दिन से बोला है आधा घंटा, अभी तक हुआ नहीं, कहीं आप ही कॉल करके बोल दीजिए, आप जाके बोल दीजिए रविंदर राणा जी को कि इनसे मिल लें। देखिए वो उनके उनसे वो उनका अपना वो है, इच्छा है, वो कब मिलने आए उनसे, इनसे उनको जब लगेगा वो ज़रूर आएँ, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि इस वक्त इनको ये हमारी जिम्मेदारी है, यूथ हमारी जिम्मेदारी है, और अगर इनके साथ में कोई भी ऐसी परेशानी होती है तो हमें बाकी सब चीज़ों को छोड़कर इनकी जहाँ तक हो सके हम इनकी बात करें, हम अपनी इनकी बात रखें। देखिए ना मैंने देना है, ना रविंद्र रैना जी ने देना है, ना LG सर ने देना है, लेकिन हम लोग ये चीज़ कहीं आगे तो रख सकते हैं, और उसके लिए मुझे लगता है सब लोगों को आगे आना चाहिए, सब लोगों को बाहर निकलना चाहिए, और सब लोगों को बाहर आगे बात करनी चाहिए, बात करने से कुछ नहीं हो जाता। तो आज ये मेरे को कुछ नहीं
मारने वाले गोली नहीं मारेंगे, ये मैं बता दूं सब लोगों को कि इससे कुछ नहीं होगा। आप खाली कम से कम इन्हें आश्वस्त कीजिए, कम से कम उनका थोड़ा सा मोराल बढ़ाइए, और जस्टिस के लिए मैं कहूँगी आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं होती, और हमारा संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं इसे कभी गलत नहीं मानती। और अगर इसके लिए कोई इन्हें कुछ गलत कहता है या इनके साथ कोई भी, आज तक दो तीन चीज़ें मैंने जो सुनी है वो हुआ है, तो वो गलत हुआ है, उसके लिए मैं ज़रूर कंडेम करती हूँ। कहीं ना कहीं बीएसएफ सीएसएफ को नौकरियां मिले ना मिले, मगर आज जो है अदिति शर्मा जी ने जो है कहीं ना कहीं रविंद्र राणा जी को डिफेंड किया है, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबर दिख रही है पूरे आंदोलन से। कहीं ना कहीं बच्चों ने जो है स्टेट से जो है स्टेट की जो राजनीतिक जो मेन लीडर्स हैं उनसे कहीं ना कहीं अदिति शर्मा जी को कनेक्ट कर दिया है वापस। पहले कहीं ना कहीं जो है खफा रहती थी अदिति शर्मा, बट आज रविंद्र राणा जी को डिफेंड करती हुई दिखी हैं, ये अपने आप में कहीं अच्छी खबर है। और सामने भाजपा का ऑफिस है, और कहीं आज बीएसएफ सीएसएफ वाले बच्चे जो हैं अदिति शर्मा जी से बात कर रहे हैं, उनको अलग छोड़ते हुए आज मैं भारतीय जनता पार्टी पीछे ऑफिस बैकग्राउंड में रख के बताना चाहूँगा कि ये जो हैं बीएसएफ सीएसएफ वाले और ये हम उनके बीच का एक माध्यम है मीडिया वाले, और ये हैं आप हमें कोई मैसेज दे दीजिए पॉजिटिव, अगर आप नहीं आना चाहते हम इनके तक कन्वे कर देंगे। यू आर वॉचिंग द फोर स्टेट, आई एम गोहर विद कैमरामैन रघु शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम हिम।